नोएडा ग्रेटर नोएडा में धोखेबाज बिल्डरों ने ऐसा मकर जाल बुन रखा है जिसमें हर बार सैकड़ों बायर्स अपनी जमा पूंजी लगाकर फंस जाते हैं। आज हम कॉस्मिक ग्रुप की एक ऐसी काली कहानी से आपको रूबरू कराएंगे जिसने एश्योर्ड रिटर्न के नाम पर एश्योर्ड धोखा दिया है, जिससे बायर्स दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ध्यान से देख लीजिए इन चेहरों को। ये वो लोग हैं जो नोएडा के एक बिल्डर कॉस्मिक ग्रुप की जालसाजी का शिकार हुए। दरअसल ये वो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने कॉस्मिक ग्रुप के नोएडा और ग्रेटर नोएडा स्थित तथाकथित प्रोजेक्ट्स कॉस्मिक कॉर्पोरेट पार्क 1 और 2 में इन्वेस्ट किया था। इन बायर्स का आरोप है कि कॉस्मिक बिल्डर ने इन्हें सपना दिखाया 12.5% एश्योर्ड रिटर्न का। रिटर्न तो इन्हें नहीं मिला, लेकिन धोखा जरूर मिला है, जिसे एश्योर्ड धोखा भी कहा जा सकता है। और इसी एश्योर्ड धोखे की पूरी कहानी ये खुद समाचार प्लस पर सुना रहे हैं। मैंने CCP 1 में मिस्टर मुटरेजा के थ्रू 4 बुकिंग कराई थी। 2 वर्बल थी, 2 वर्चुअल स्पेसिस थी, वो मेरे नाम से थी, पीतांबरा चांदवानी। 1 मेरे बहू के नाम से है, दीपा चांदवानी के नाम से, वो भी वर्चुअल स्पेस है। 1 मैंने अपनी बेटी के नाम से ली थी, ममता आहूजा, जो कि बाहर रहती हैं। मैंने क्योंकि आफ्टर डेथ हम लोग के इंडियन सेंटीमेंट्स के अनुसार हम उनको गिफ्ट देते हैं, वो मैंने उनके लिए गिफ्ट देने के लिए लेके रखी हुई थी। अब उन्होंने लास्ट अप्रैल 2015 से पैसे पेमेंट देना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। वो हमारे पैसे कहाँ लगाए, उसने कहाँ किए? मैं पहले दिल्ली में एक छोटी सी नौकरी करता था और गांव में थोड़ा बहुत खेतीबाड़ी का काम संभालता था। एक दिन मुझे एक ब्रोकर का फ़ोन आया कंपनी से, कॉस्मिक ग्रुप से, कि ऐसे ऐसे सर हम एक ऑफिस बना रहे हैं यहाँ पे ग्रेटर नोएडा टैक जोन में, आप कर लीजिए और हम आपको 12.5% का अश्योर्ड रिटर्न आपको देंगे हर महीने, जब तक कि आपको पोजीशन नहीं मिल जाता। और उसके बाद उन्होंने कहा कि पोजीशन के बाद भी हम 9% आपको लीज गारंटी देते हैं और जो जमीन जो ये है वर्चुअल स्पेस है आपकी, वो हमारे ही अंडर में रहेगी, कंपनी के पास उसके लीज राइट रहेंगे। लगभग 11 लाख रुपए मैंने उनको दिया। CCP 2 कॉस्मिक सेक्टर 140 में मेरी मिसेज के नाम से प्रोजेक्ट है, 360 लॉकेबल हमने बुक कराया था आज से 3 साल पहले। और हमें ये श्योर बोला गया था कि आपको हम 3 साल में लगभग 50 मंथ्स में आपको एश्योर रिटर्न के साथ आपका प्रोजेक्ट भी डिलीवर कर देंगे और आपको एश्योर रिटर्न भी मिलती रहेगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 15 से हमारे को कोई एश्योर रिटर्न नहीं आ रही। बॉम्बे में मेरा घर था, उसको बेच के मैंने यहाँ के इन्वेस्ट किया सो दैट थोड़ा एश्योर रिटर्न मिलेगा, मंथली थोड़ा खर्चे के लिए हो जाएगा करके। अभी तो मैं रिटायर होने के लिए भी थोड़े साल बाकी है, तो इससे एश्योर रिटर्न आ रहा है, 12% के दे रहे थे वो लोग, तो उसी हिसाब से हमने सोचे थे ठीक है यार, दिस अ गुड इन्वेस्टमेंट है, सो दैट मंथली आपको कुछ खर्चे के लिए आते रहते हैं, सो दैट हमें कुछ कर सकते हैं। एश्योर रिटर्न भी बंद हो गया, पहले बोल रहे थे हमने चेक के थ्रू देंगे, कुछ दिन दिया था, उसके बाद वो बंद कर दिया। फिर फंड ट्रांसफ़र करने शुरू किया अकाउंट में, वो भी अभी बंद हो गया। जाकर पूछा तो अप्रैल से बंद हो गया, पूछा तो जून में पूछा तो अक्टूबर दिसंबर, अभी जनवरी सब हो गया, अप्रैल 2016 तक हमने चालू करेंगे दिएंगे करके। मैंने और मेरी वाइफ ने एक वर्चुअल स्पेस और एक 150 स्क्वायर फीट कॉस्मिक स्ट्रक्चर ग्रुप में बुक कराया था आज से 3 साल पहले। तो इन्होंने बड़े बड़े वादे करके और बड़े बड़े अदर बिल्डर्स के प्रोजेक्ट दिखा के कि हमने ये कंस्ट्रक्शन किया और फर्स्ट टाइम हम अपने नाम से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो आप बुकिंग कराइए और हम बड़े रिलायबल बिल्डर हैं और आपका टाइमली एश्योर्ड रिटर्न हम 48 मंथ्स का देंगे। बट इन्होंने 1.5 या 2 साल रिटर्न दिया है हमें, उसके बाद लास्ट अप्रैल से इन्होंने चेक देने हमें बंद कर दिया और बोल दिया कि अब हम आपको NEFT किया करेंगे। बट NEFT की पूरी डिटेल वगैरह लेके KYC के नाम पे पूरा धोखाधड़ी करके सारा ले लिया है, बट पिछले अप्रैल ऑनवर्ड हमारे पास कोई रिटर्न नहीं आ रहा है। मैंने कॉस्मिक CCP 1 के अंदर टैक्स जोन के अंदर 330 स्क्वायर फीट की एक शॉप ली थी, जो मैंने पैसा जो लगाया वो मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए रख रखा था कि चलो भाई इसलिए कि भाई यहाँ से एक इनकम शुरू होगी इन्होंने, क्योंकि ये कमिटमेंट किया था कि 12.5% एश्योर्ड रिटर्न आपको मिलेगा टेल पोजीशन तक, तो कंस्ट्रक्शन तो वहाँ हो नहीं रही। मैंने कॉस्मिक ग्रुप कंपनी में पैसा लगाया था, इन्वेस्टमेंट किया था, मेरे यहाँ से अप्रोच किया गया था कुछ एजेंटों ने कि साहब उसमें पैसा लगाओ, उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा, जिसमें हम आपको जितना पैसा आप लगाएंगे 1% के हिसाब से आपको अश्योर रिटर्न देंगे, प्लस 3 साल के प्रोजेक्ट के बाद आपका जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होएगा, कंप्लीट के बाद आपको 9 साल का एक लीज एग्रीमेंट भी देंगे। लेकिन 1.5 साल तक उन्होंने अश्योर रिटर्न दिया, मार्च 2015 से हमारा अश्योर रिटर्न बंद कर दिया इन्होंने कंपनी ने। तो सुना आपने, अपनी जीवन भर की कमाई इन लोगों ने कॉस्मिक ग्रुप के बहकावे में आकर अपनी बेहतरी के लिए दे दी, लेकिन कॉस्मिक ग्रुप ने इन्हें रिटर्न में सिर्फ धोखा ही दिया। बायर्स का आरोप है कि कॉस्मिक बिल्डर ने उन्हें एक प्लानिंग के तहत अपने जाल में फंसाया है।
बकौल बायर्स कॉस्मिक बिल्डर ने दूसरे बिल्डर के प्रोजेक्ट को अपना बताकर इन्हें दिखाया और दावा किया कि ये प्रोजेक्ट उसने ही बनाए हैं। बायर्स ने उन प्रोजेक्ट को देखकर कॉस्मिक बिल्डर पर भरोसा करते हुए अपनी गाड़ी कमाई इस बिल्डर को दे दी। मैंने तो अपनी सारी इनकम जो थी मेरी रिटायरमेंट की कमाई थी, ग्रेचुटी और यहाँ से जो भी सेविंग्स वगैरह थी, जहाँ से बटोर सकता था मैंने बटोर करके अपने सर्वाइवर के लिए कि भाई मैं कहीं मुझे बीमारी लगे तो मैं कम से कम अपने को सर्वाइव कर सकूँ, मैं किसी के ऊपर आगे हाथ नहीं फैलाऊँ, उस वजह से मैंने सारे पैसे उनके पास लगा दिए। जब हमने थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन किया बिल्डर के बारे में, देखा कि भाई ये क्या है, क्या कर रहा है, तो हमें मालूम चला कि बिल्डर का कुछ प्रोजेक्ट पे तो बिल्डर की खुद की लैंड है ही नहीं, और कहीं वो किसी दूसरे का नाम का सहारा लेके कोई दूसरे के प्रोजेक्ट्स दिखा के, कोई रमन लांबा के कोई भाई थे उनके प्रोजेक्ट दिखा के वो पब्लिक से पैसा ले रहे हैं। हमें पता लगा है कि ना तो इन्होंने कोई प्रोजेक्ट आज तक डिलीवर किए हैं जो हमारे को दिखाए गए थे कि जी हमने इतने प्रोजेक्ट आपके बना रखे हैं और जाके, लेकिन हमें पता लगा ना कोई प्रोजेक्ट इन्होंने डिलीवर किया है, और ज़मीन भी इनकी जेबी की है, ज़मीन भी इनकी अपनी नहीं है, और दूसरा कईयों के नाम से इन्होंने अलग अलग नाम से इन्होंने प्रोजेक्ट बना के और ये बताया गया कि अभी ये हमारे प्रोजेक्ट हैं। इसने किया था ये पूरा प्रोजेक्ट, इसने बताया था ये पूरा हमने बनाया था ये प्रोजेक्ट, तो बट इस बाद में पता लगा इसमें कोई भी प्रोजेक्ट उनका नहीं था। इसने कुछ लांबा बिल्डर के नाम दिखा के हमको कि हमने उस बिल्डर के लिए काम किया, उसके लिए काम किया, हमको बहुत एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन का, लेकिन आई डोंट नो क्या एक्सपीरियंस है, हमारा तो पैसा डूबता लग रहा है हमको। इन्होंने रमन लांबा के भाई को नाम यूज़ करके और ये हमसे पैसा एक झूठ बोल के, मतलब कि हमने उसी हिसाब से इनको इसके प्रोजेक्ट में अपने पैसा लगाया, मैंने 23 लाख रुपए पैसा लगा रखा है जो मैंने अपनी बेटियों के लिए रख रखा था। हमें पता लगा कि हमारे को इन्होंने जब ये प्रोजेक्ट लिया था तो हमारे को रेडी टू मूव फ्लैट दिखाए गए, जो कि पता लगा कोई राजेश लामा इनके पार्टनर्स वगैरह थे, उन्होंने वो प्रोजेक्ट दिखा के कि हमने ये प्रोजेक्ट डिलीवर करें, हमने वो डिलीवर करें, हम आपको ऐसा बना के देंगे। एक हमें प्रोजेक्ट दिखाया ऋषिकेश में सिटी ऑफ रोमांस, वहाँ ले गए, तो मतलब एक अलग अलग तरीके के लुभाने के प्रोजेक्ट दिखा करके हमारे साथ ये चीटिंग की है, 420 की है। बायर्स का आरोप है कि झूठे सपने दिखाकर जिन प्रोजेक्ट्स के नाम पर इनसे पैसा लिया गया वो पिछले साल यानी साल 2015 में ही बनकर तैयार हो जाना था, लेकिन साइट पर कंस्ट्रक्शन का नामो निशान भी नहीं है। बायर्स का ये भी आरोप है कि बिल्डर ने जाने कितने ही लोगों से एश्योर्ड रिटर्न का झूठा वादा करके करोड़ों रुपया कमाया है, उन्हें डर है कि कहीं कॉस्मिक बिल्डर ये सारा पैसा लेकर विदेश न भाग जाए। साइट पे गए हम, उनकी सारी साइट पे जाके देखा, चेक करा, कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं, जो काम 2 से 3 साल पहले था वहाँ पे उसी कंडीशन में, वो सारी जगह वही पुराना कंस्ट्रक्शन पड़ा हुआ है, कहीं पे डिगिंग हुई है, कहीं पे 1-2 पिलर गड़े हुए हैं, उसके अलावा कोई कंस्ट्रक्शन नहीं। जो सुशांत मुटरेजा जी हैं उनका पासपोर्ट जब्त करा जाए, क्योंकि हमें लग रहा है कि इन्होंने पब्लिक के साथ में धोखाधड़ी करी है, और ये सब लोगों का लगभग मार्केट से 7,000 करोड़ रुपया इन्होंने उठाया हुआ है लोगों का, इन्वेस्टर का, और ये यहाँ से भागने की तैयारी कर रहे हैं, इन्होंने लोगों के साथ में फ्रॉड किया है। वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड के अलावा कोई नहीं बैठा हुआ था, और उससे जब पूछा गया कि हाँ भैया यहाँ पे काम वाम कब से बंद है, कहने ये तो साल भर से बंद है और अभी पता नहीं कब तक शुरू होगा। तो मुटरेजा हैं ये बंधु, भाग ना जाए यहाँ से, और हमें डर है कि कहीं अपना भागने के फिराक में है, जिससे कि इनको और ये हमारे को अधर में छोड़ जाएंगे। कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे हैं, वो कब तक करेगा, वो करेगा नहीं करेगा ये भी पता नहीं है। हमारा जो 600-700 करोड़ इसने पब्लिक से उठाया है कॉस्मिक स्ट्रक्चर शेखर मुटरेजा ने, वो कहाँ लगाया है, वो आज दूसरी कंपनी में लगाता है, कल दूसरी, मैंने जो सुना है दूसरी कंपनी में लगा रहा है, फंड फ्लोट कर रहा है, और आई थिंक ये एक दिन बैंक करप्ट होकर हमारा पैसा ले जाएगा, गरीब हमारी गरीब जनता का, और हमारा मतलब कुछ नहीं होने वाला है। और इसका हम चाहते हैं प्रशासन से, राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से, इसका पासपोर्ट जब्त किया जाए, ये कहीं कंट्री छोड़ के ना भाग जाए। वहाँ आज की तारीख में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, और हमें ये डर है कि ये लोग भाग जाएंगे, पैसा 6 से 7 हजार करोड़ रुपए इन्होंने इकट्ठा कर लिया है, सारे इन्वेस्टर जितने भी 4 या 5 प्रोजेक्ट हैं इनके सारे बंद पड़े हैं, कोई काम नहीं है। इसका पासपोर्ट जब्त कराया जाए, हमें पता लगा है कि इसने कहीं पैसा बाहर भेजा है, बाहर कंपनियां खोली हैं, सिस्टर कंसर्न खोली हैं, और इसका प्लान बाहर भागने के बाद दिल्ली ये इंडिया छोड़ के बाहर जाने का है। बायर्स ये भी आरोप लगाते हैं कि कॉस्मिक बिल्डर उनका पैसा हजम करके महंगी पार्टियां करता है, पार्टी में सेलिब्रिटी बुलाने पर पैसा खर्च करता है, लेकिन जब वो बिल्डर से अपना पैसा वापस मांगते हैं तो पैसा ना होने की बात कहता है। बायर्स जब कोर्ट जाने की बात कहते हैं तो बिल्डर कहता है कि जो मर्जी चाहे कर लो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी बड़ी पार्टियां कर रहा है, कभी किसी मैदान में पार्टी करता है, कभी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, प्री लॉन्च में पार्टी करता है, और सेलिब्रिटी मंगवाता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी साथ आ जाते हैं इसके, आई डोंट नो उनको पैसा कहां से दे रहा है, पार्टियों में इतनी बड़ी बड़ी लेविश पार्टी कर रहा है। ठगासा महसूस कर रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं,
ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस वाले ये मुटरेजा जी और उनके जो वहाँ पे लोग हैं वो हमें धमकाते हैं, कहते हैं हमारे पास कोई पैसा नहीं है देने के लिए, आपको जो चाहे करना है कर लो, आप पुलिस में जाओ, आप कोर्ट में जाओ, आपको 10 साल 20 साल कोर्ट लड़ते लड़ते आप बुड्ढे हो जाओगे लेकिन आपको कोई सुनवाई नहीं होने वाली आपकी। जब हम इनके ऑफिस में जाते हैं तो अलग से हमारे को धमकियां मिलती हैं, उनके ऑफिस के चक्कर काट काट के हम परेशान हो चुके हैं, वो हमारे को टाइम दे जा रहे हैं कि आप नेक्स्ट वीक आ जाना, नेक्स्ट मंथ आ जाना, और जब जाते हैं तो कभी वो बैठे नहीं होते, और ऑफिस का स्टाफ भी हमारे से जिनसे फोन करते हैं तो फोन नहीं उठाते। हमने ईओडब्ल्यू में केस डाला, ईओडब्ल्यू में भी आज 2-3 महीने हो गए हैं, कभी वो दरियागंज भेज रहे हैं, कभी करोलबाग भेज रहे हैं, कोई मतलब कार्रवाई इस बिल्डर के अगेंस्ट में कुछ नहीं हो रही है। वैसे विवादों और गड़बड़ झालों से कॉस्मिक बिल्डर का नाता कोई नया नहीं है, इन्हीं गड़बड़ झालों का आरोप कॉस्मिक ग्रुप पर पहले भी लग चुका है। पिछले साल अगस्त में आगरा के दो बायर्स ने कॉस्मिक ग्रुप पर 60 लाख रुपए से ज्यादा हड़पने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। ये कंपनी है कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स लिमिटेड और ये एक जो प्लॉट बना रही थी कॉस्मिक कॉर्पोरेट पार्क करके यमुना एक्सप्रेस वे 10 टेक जोन प्लॉट नंबर 10, मैंने अपने मकान को बेच करके सारा का सारा पैसा उस प्रॉपर्टी में लगा दिया। अच्छा, उसमें सबसे बड़ी बात जो थी, सबसे बड़ी जो मुख्य बात थी वो ये थी कि उसने मुझसे ये कहा था कि सर ये पोजेशन हम आपको दिसंबर 2013 तक दे देंगे किसी भी सूरत में। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने मुझको जो है 45 हजार लगाने के बाद जब मैंने दिसंबर 2013 में इससे बातचीत करने के लिए जब अपना वो पोजेशन मांगा तो मैंने जब वहां पे देखा तो वो तो कतई असंभव था। सर मैं तो समझता हूँ बाकी धोखाधड़ी है क्योंकि उसमें काम भी नहीं है बिल्कुल भी, और काम के नाम पे जब बार बार उनसे कहा जाता है तो कोई एक बुलडोजर उनमें लगा रहता है, वो कभी मिट्टी को ऊपर निकालता है कभी नीचे डालता है, काम तो चल नहीं रहा, काम बंद है। अब आपको मिलाते हैं एक और बुजुर्ग से, नाम है इनका एसके बांगिया। बकौल इनके कॉस्मिक ग्रुप ने इन्हें भी एश्योर्ड रिटर्न के खूबसूरत ख्वाब दिखाए, तरीका बिल्कुल वही जो बाकियों पर अपनाया गया। कॉस्मिक ग्रुप वाले रिप्रेजेंटेटिव मेरे से जनकपुरी में मैकडोनाल्ड में मिले और उन्होंने मुझे रोजी पिक्चर दिखाई कि अपना 25 साल का एक्सपीरियंस है हमारे साथ, वो जो वर्ल्ड फेमस क्रिकेटर रमन लांबा है उनके ब्रदर राजेश लांबा हमारे डायरेक्टर हैं, आप हमारे वो ज्वाइन करो, हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करिए और आपको जो है अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये मैंने उनको बिलीव करते हुए, मैंने और मेरा एक और दोस्त मंजीत सिंह है, उन्होंने इनके यहाँ उनको एक चेक दे दिया और एप्लीकेशन कस्टमर इन्फॉर्मेशन फॉर्म उनसे भरवाया गया। एक महीने तक मैं उनको फॉलोअप करता रहा, हमें दे दीजिए, उन्होंने कुछ मुझे कुछ भी नहीं दिया। फिर मैंने अल्टीमेटली मैंने जब उसके बाद उनकी डिमांड आ गई नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की, मैंने कहा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मेरे से मांग रहे हैं लेकिन मेरे को डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर रहे, तो मेरा माथा तंग था। तो उसके बाद मैंने क्या कि मैं नेट पर सर्च उच करना शुरू किया तो मेरे को जाके मालूम चला जो प्रोजेक्ट ये कह रहे थे मैंने बनाया, मुझे एक सीडी भी दिखाई थी वहाँ पर, वो सीडी में प्रोजेक्ट भी दिखाए थे, उसमें मिस्टर सुशांत मुखर्जा उसके एमडी हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारा 25 साल का एक्सपीरियंस है, पहले हम कोऑपरेटिव में थे, कोऑपरेटिव से फिर हम प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में आ गए, रविंद्र नगर में, करोलबाग में, साउथ दिल्ली में आ गए, वो सब मालूम चला, वो उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे को आरओसी की साइट से मालूम चला ये कंपनी 2011 में रजिस्टर हुई है, जो कंपनी 2011 में रजिस्टर हुई है वो 40 प्रोजेक्ट कैसे बना सकती है। कॉस्मिक ग्रुप के कारनामों की एक बानगी आपको इंटरनेट पर भी देखने को मिलेगी। इंटरनेट पर कॉस्मिक ग्रुप के खिलाफ शिकायतों का अंबार लगा हुआ है जिसमें इस बिल्डर की असलियत साफ तौर पर उजागर होती है। अब सवाल ये कि कॉस्मिक ग्रुप जैसे बिल्डर के खिलाफ ये बायर्स जाएं तो कहां जाएं? तमाम शिकायतों के बाद भी पुलिस इस बिल्डर पर कोई कार्रवाई नहीं करती, शायद इसीलिए ये बायर्स सरकार से गुहार लगा रहे हैं। इनके ऊपर एक्शन लिया जाए यूपी सरकार द्वारा, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। हमारी सरकार से गुजारिश है, उत्तर प्रदेश सरकार से गुजारिश है कि कृपया करके जो सुशांत मुटरेजा जी हैं उनका पासपोर्ट जब्त करा जाए क्योंकि हमें लग रहा है कि इन्होंने पब्लिक के साथ में धोखाधड़ी करी है। हमारी विनती यही है कि उसको यहीं पे रोक करके उसके अगेंस्ट सख्त कार्रवाई किया जाए और हमारा जितना पैसा है विद इंटरेस्ट हमें वापस दिलाया जाए। अब देखना यह होगा कि सरकार इनकी मदद करने के लिए आगे आती है या फिर नहीं, सरकार इनकी मेहनत से जमा की गई पूंजी को इस बिल्डर से वापस दिलाती है या नहीं, और सरकार ऐसे बिल्डरों पर लगाम लगाती है या नहीं, क्योंकि एश्योर्ड रिटर्न नाम के खूबसूरत लेकिन झूठे सपने दिखाकर जनता से लूट करने वाले बिल्डरों की यहां कोई कमी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार। तो देखा आपने एश्योर्ड रिटर्न के नाम पर कॉस्मिक बिल्डर का एश्योर्ड धोखा। इस मामले पर नोएडा के डीएम का क्या कुछ कहना है चलिए वो सुन लेते हैं। आज मेरे पास आए थे कुछ लोग, रजिस्ट्रेशन वहां पर फ्लैट्स का कराया हुआ है जी, क्योंकि ऐसे प्रकरणों में जहां पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले और फ्लैट के लोग हैं और बिल्डर्स हैं उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो यूपी अपार्टमेंट एक्ट 2010
मैं मुख्य कार्यपालक अधिकारी संबंधित अथॉरिटी के प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी है उसको डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए मैंने सीईओ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को पत्र लिखा है और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि अथॉरिटी के माध्यम से जो भी एक्ट में उनको अधिकार है उसके तहत ये जो भी रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोग उनके साथ शीघ्र न्याय हो। तो कॉस्मिक बिल्डर का धोखा जो सामने आ गया है उस पर कई सवाल खड़े हो गए हैं, लेकिन सिर्फ कॉस्मिक बिल्डर ही नहीं, कई ऐसे बिल्डर्स हैं मार्केट में जो लगातार बायर्स को चूना लगा रहे हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या सावधानी बरते इन्वेस्टर्स, लोकेशन और प्रॉपर्टी की वैल्यू जरूर जांच लें, इसके अलावा बिल्डर का बैकग्राउंड भी देख लें कि बिल्डर का बैकग्राउंड आखिर कैसा है, बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड, रीपेमेंट कैपेसिटी और बैलेंस शीट भी जरूर परख लें। बिल्डर से लिखित में ये जानकारी लें कि स्कीम का टर्म क्या होगा और वो रिटर्न कैसे देगा। बिल्डर के डिफॉल्टर होने पर बायर्स का पैसा डूबने का खतरा रहता है। इसके अलावा शॉर्ट रिटर्न पर बैंक गारंटी का सच भी आपको बता दें, बैंक कमर्शियल प्रॉपर्टी पर एक साल से ज्यादा की गारंटी नहीं देता, जबकि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को पूरा होने में करीब 3 से 4 साल लगते हैं। इसके अलावा नियमों के बीच कैसे रास्ता निकालते हैं बिल्डर्स, वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। भरोसा जीतने के लिए बिल्डर्स पोस्ट डेटेड चेक या बैंक गारंटी देने का वादा करते हैं। सामूहिक निवेश योजना चलाने के लिए सेबी से अनुमति लेना जरूरी है। सेबी रियल्टी सेक्टर में चल रही कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम पर नजर रखता है। अगर बिल्डर स्कीम में फेरबदल कर स्कीम लाता है तो वो सेबी के दायरे में नहीं आता, इसी का फायदा उठाकर डेवलपर्स चलाते हैं एश्योर्ड रिटर्न स्कीम। बिल्डर कैसे करते हैं खेल, बिल्डर्स कंस्ट्रक्शन पूरा होने से पहले एश्योर्ड रिटर्न की आड़ में प्रोजेक्ट को सेल करते हैं। तो बिल्डर कैसे खेल खेलते हैं वो भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे इस ग्राफिक्स के जरिए। और सीधे अब हमारे साथ खुद डेवलपर्स राजेश लांबा जुड़ गए हैं जिनके नाम का इस्तेमाल कॉस्मिक बिल्डर ने किया और बायर्स को चूना लगाया। राजेश जी, आखिर ये हुआ कैसे, आपके नाम का इस्तेमाल किया गया, प्रोजेक्ट दिखाया गया आपका और उसके बाद बायर्स को चूना लगाया गया, और क्या इसके अगेंस्ट आपने कोई एक्शन लिया है, आपका विवाद क्या था? नहीं, ये सुशांत मुटरेजा पहले मेरे पास नौकरी करता था जी, और इसकी फैमिली ओल्ड रजिंदर नगर में 2 कमरों के मकान में रहती थी जी। तो उसके बाद इन्होंने कोई अपना बिजनेस बना लिया कॉस्मिक के नाम से जी। तो मेरे पास बहुत सारे लोगों के फोन आए कि आप कॉस्मिक के अंदर पार्टनर हैं, डायरेक्टर हैं। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मैंने इनको पूछा कि भाई तुम इस तरह से मेरे नाम का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो वहां पर, तो इसको हटाओ जी। तो ये माने नहीं। फिर मैं हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट में इनके खिलाफ याचिका दायर की और हाई कोर्ट ने इनको फटकार लगाई कि आप इनका नाम यूज नहीं कर सकते, आपके पास कोई कंसेंट नहीं है, इनकी कोई मर्जी नहीं है कि आप इनका नाम यूज करें जी। तो फिर इनको उसका मेरा नाम और मेरे प्रोजेक्ट जो है अपने ब्रोशर से हटाने पड़े। लेकिन तब तक ये हजारों लोगों को उससे पैसा इकट्ठा कर चुका था। चलिए शुक्रिया। डेवलपर राजेश लामा हमारे साथ जुड़े थे जिनके नाम का इस्तेमाल कॉस्मिक बिल्डर ने किया, प्रोजेक्ट दिखाए इनके और उसके बाद सैकड़ों बायर्स को लगाया गया चूना। जी हाँ, एश्योर्ड रिटर्न के नाम पर कॉस्मिक बिल्डर ने एश्योर्ड धोखा दिया, बायर्स लगातार भटक रहे हैं, शिकायत कर चुके हैं लेकिन बावजूद इसके उनकी शिकायत पर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। नतीजा यह है कि बायर्स के हाथ खाली। और सबसे बड़ी बात देखिए, कॉस्मिक बिल्डर दरअसल इस पूरे मामले पर पक्ष देना भी जरूरी नहीं समझ रहा है।